Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. Dhanyavaad Anubha. Namaskar Shrotao. Market Mantra mein aapka swagat hai. रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं अनुभा रोहतगी। थैंक यू सोनू। At the stock markets, Sensex hits 50,000 mark before ending 167 points lower. Nifty drops 54 points. Rupee gains 4 paisa against the dollar. Two-wheeler maker Bajaj Auto posts highest ever quarterly profit in the third quarter of this fiscal. And country's GDP within the striking distance of attaining positive growth, states Reserve Bank's January bulletin. शेयर बाजार में 167 अंकों की गिरावट पर बंद होने से पहले सेंसेक्स आज एक समय 50,000 के स्तर को पार कर गया। निफ्टी 54 अंक गिरकर हुआ बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की मजबूती दर्ज हुई। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में दो पहिया वाहन के निर्माता बजाज ऑटो ने अब तक का सर्वोच्च तिमाही लाभ किया दर्ज। और देश का सकल घरेलू उत्पाद सकारात्मक वृद्धि हासिल करने के एकदम करीब है, कहा गया रिजर्व बैंक की जनवरी की बुलेटिन में। शेयर बाजारों में कारोबार के आखिरी घंटे में सारी शुरुआती तेजी गंवाते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% की मंदी से 167 अंकों का नुकसान दर्ज करता हुआ 49,625 पर बंद हुआ। दोपहर के कारोबार में शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार सेंसेक्स 50,000 के स्तर को पार कर गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.4% की मंदी से 54 अंक कम होकर 14,590 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.9% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% का नुकसान दर्ज हुआ। At the stock markets, erasing all its early gains in the last hour of the trade, the Sensex at the Bombay Stock Exchange ended with a loss of 167 points or 0.3% at 49,625 today. The Sensex during the afternoon trade had hit the 50,000 mark for the first time in its history. The Nifty at the National Stock Exchange dropped 54 points or 0.4% to trade at 14,590. In the broader market, the BSE mid-cap index declined 0.9% and the small-cap index slipped 0.7%. Among sectoral indices on the BSE, the realty and the telecom indices declined 2.6% each. The metal index dropped 2.4%. The oil and gas index slid 1.6%. The healthcare index slipped 1.4%. BankEx lost 1%. Tech and finance indices fell 0.9% each. IT and the power indices dropped 0.6% each and the FMCG index shed 0.4%. But the consumer durables index rose 1.5% and the capital goods index gained 0.5%. कुछ कंपनी परिणाम हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। दो पहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो में अब तक का सबसे अधिक तिमाही लाभ और राजस्व निर्यात में उछाला ने और घरेलू बिक्री में भी सुधार दर्ज होने के बल पर आया। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बजाज ऑटो का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 23% का उछाल दर्ज करते हुए 1,556 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का तिमाही राजस्व 17% बढ़कर 8,909 करोड़ 80 लाख रुपए रहा। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एशियन पेंट्स का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 62% के उछाल में रहा। कंपनी का राजस्व 25% बढ़कर 6,788 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। लेकिन तीसरी तिमाही में बजाज फाइनेंस का शुद्ध लाभ 29% लुढ़ककर 1,146 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। इसी तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व 5% कम होकर 6,658 करोड़ रुपए रहा
और अगर रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की मजबूती से लगभग 5 महीने के उच्चतम स्तर 72.99 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, आज हमने बाजार में ओवरऑल गिरावट देखी है, चाहे वो लार्ज कैप्स हो या मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हो, लेकिन एक बहुत ऐतिहासिक चीज हुई है कि 50,000 के स्तर को दिन के कारोबार में एक समय सेंसेक्स पार कर गया। हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पर, बाजार की अभी क्या स्थिति है, क्या आगे चलकर आपको प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल सोनू जी, ये हम पीछे बहुत बार हम ये चर्चा कर चुके हैं कि मार्केट जो है न्यू हाई बनाने की क्षमता रखती है, तो हमारी वो जो धारणाएं थी वो आज पूरी हो गई, क्योंकि आज मार्केट ने 50,000 का जो एक बेंचमार्क टच किया है वो बहुत ही सराहनीय है और ये हिस्टोरिक है, क्योंकि पीछे के 4-5 साल से अगर आप देखें तो मार्केट उस तरीके से रिटर्न्स नहीं दे रही थी या उस तरीके से अपसाइड नहीं दिखा रही थी जिस तरीके से जो मार्केट में पोटेंशियल है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस था, उसके हिसाब से मार्केट्स उसको फैक्टर इन अभी तक नहीं कर पाई थी। लेकिन लास्ट ईयर या फिर 2019 से मार्केट्स में एक मोमेंटम शुरू हुआ, जबकि मई जून से लेके एक मोमेंटम शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद 2020 में पैंडेमिक कोविड की वजह से एक बहुत जबरदस्त गिरावट आई, मार्केट्स जो थी काफी 30-40% तक फिसल गई अपने स्तर से, और अभी उसी स्तर से लगभग मार्केट 100% रिकवर कर चुकी है। अगर आप देखेंगे तो 25-26 हजार का सेंसेक्स जो मार्च के महीने में था अभी 50,000 को आज तक किया है। तो ये सब कुछ एक तो जो सरकार के टाइमली मेजर्स, जो इफेक्टिव मेजर्स, जो मीनिंगफुल मेजर्स सरकार ने लिए और जो शुरू में ही लिए, अप्रैल मई में बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई, तो ये उन्हीं का एक रिजल्ट है कि हमारी मार्केट्स ने सब चीजों को फैक्टर इन करते हुए, सब चीजों को देखते हुए कि आने वाले टाइम पे जो ग्रोथ प्रोसेस है वो कैसा रहेगा, जो बिजनेसेस हैं वो कैसे ग्रो करेंगे, खासकर जो छोटे मझोले बिजनेसेस हैं, जो एमएसएमई हैं, वो कैसे ग्रो करेंगे, तो ये सब चीजें अभी मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि मार्केट में पिछले एक महीने से जो हर एक दो दिन के बाद एक नया स्तर बनाया है, तो वो उन्हीं के जो रिफॉर्म्स हैं उसी प्रोसेस का एक जो फ्रूटफुल आउटकम है वो हम देख रहे हैं। तो आज के बारे में जैसे आपने पूछा कि आज मार्केट्स ने बहुत ही तेजी से एक नया आंकड़ा छुआ और उच्चतर स्तर बनाया, उसके बाद मार्केट्स में थोड़ा गिरावट आई, जो सेंसेक्स है वो नेगेटिव में बंद हुआ, तो उसके पीछे कारण ये है कि एक बेंचमार्क, जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो इन्वेस्टर्स देख रहे थे कि 50,000 को टच करेंगे तो यहां पे जाके स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन ये एक हेल्दी करेक्शन है। मैं ये समझता हूं कि मार्केट में बहुत सारी अपसाइड अभी बाकी है, क्योंकि रिफॉर्म्स अभी हुई है, अनाउंस हुई है, जब उनके एक्चुअल में उनकी रिफ्लेक्शन आएगी, जो बिजनेसेस के बैलेंस शीट में उनकी रिफ्लेक्शन आएगी, जब जो कंपनीज के नतीजे आएंगे, जब उनसे प्रभावित होकर मार्केट और अपने स्तर जो है, इनफैक्ट नतीजे तो आने शुरू हो गए हैं, क्या उनसे हमें अब कुछ इंडिकेशन मिल रही है कि इकोनॉमिक रिवाइवल ने जोर पकड़ लिया है? जी बिल्कुल, हमें इंडिकेशन मिल गई है कि ये टोटली वी शेप रिकवरी हमने देखी है, जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और जो अभी नतीजे आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, तो उनसे ये इंडिकेशन है कि हमने अपना जो हमारा लॉस मोमेंटम था वो टोटली रिकवर कर लिया है, हम वापस उसी ट्रैजेक्टरी में आ रहे हैं जहां पे हम लास्ट ईयर जनवरी के महीने में थे, उसी लेवल पे हम वापस इस जनवरी में आ गए हैं। जो हमने बीच में ये डिफिकल्ट टाइम देखा, जो पैंडेमिक COVID-19 का जो डाउटिंग इम्पैक्ट था, जिससे मार्केट बहुत सारी उस डिफिकल्ट टाइम से गुजरी, और जो कंपनीज बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए वो वापस अपने रिकवरी मोड में आ गए हैं, बल्कि वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से, बहुत ही तेजी से अपने जो बिजनेसेस हैं उनको रिज्यूम कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड है। अगर आपने देखा होगा कि इन टोटल इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स का अगर हम डेटा देखें तो बहुत ही अच्छे स्तर पे ग्रो कर रहा है, और जो जैसे पहले उसमें काफी सबसाइडेड और सबड्यूड एक ऐसे इस तरीके का डिमांड था, वो वापस डिमांड उभर के अभी जो पैसेंजर कार सेल्स है वो काफी हाई पे है और नए उसने स्तर बनाए हैं।
उसी तरीके से जीएसटी कलेक्शन जो कि ऑल टाइम हाई पे, इससे पता चलता है अगर आप दो इंडिकेटर्स देखें, एक तो पैसेंजर कार सेल्स देखें जो कि मेजर डिमांड इंडिकेटर है, वो एक बहुत ही अच्छी रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि अच्छा अच्छा जो बिक्री है वो पैसेंजर कार की हो रही है, तो डिमांड इंटैक्ट है इकोनॉमी में। और दूसरा सप्लाई साइड से अगर हम देखें कि बिजनेसेस कैसे ग्रो कर रहे हैं, जो कि जीएसटी कलेक्शन से पता चलता है, जो हमने ऑल टाइम हाई का स्तर दिसंबर के महीने में अचीव किया है, तो उसी के हिसाब से मार्केट ये सब चीजों को रिफ्लेक्ट कर रही है, डिमांड साइड फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, सप्लाई साइड को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो मार्केट ऑल टाइम हाई को उसी तरीके से मार्केट ने फैक्टर इन किया है। तो ओवरऑल जो ब्रॉड बेस्ड जो रिकवरी है और जो ट्राजेक्ट्री है, ये नहीं है कि खाली मार्केट ही नया स्तर बना रही है, जो बाकी लीड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही अच्छी दिशा में हैं, जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अलग अलग चीजों से, किसी एक ट्राजेक्ट्री से नहीं। अगर हम जीएसटी में ऑल टाइम हाई फिगर्स देख रहे हैं तो उस तरीके से पैसेंजर कार के लिए एक मेजर मोमेंट। जी बिल्कुल, आपने कहा कि ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स वो बहुत ही उत्साहजनक है। मिस्टर शर्मा, लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट दैट आफ्टर ऑफ कोर्स टचिंग द हिस्टोरिक हाई देयर वाज द करेक्शन सीन इन द मार्केट, सो द मार्केट ऑटोमेटिकली करेक्टेड इटसेल्फ। विल वी कंटिन्यू टू सी दिस वॉलेटिलिटी इन द रन अप टू द बजट? विल वी सी फर्दर करेक्शंस इन द कमिंग डेज? Yes, yes. I don't see any major correction in the markets, but the markets will remain volatile because budget is now coming in the next 10 days, 10 or 11 days. And now the global factors are also in the favor of markets because now Mr. Joe Biden is the new president of USA. So reforms are expected in US economy also, and stimulus expectations are also on the high. So, because people book their profits before any major event, and now the markets are at all-time high, so volatility will remain. People will be booking the profits and again entering in the market to gain more. So I think this will be the trajectory in the next 10 to 15 days that but there is no major correction in the market. Dr. Sharma, जैसा आप कह रहे हैं कि ज्यादा major correction आप बाजार में नहीं देख रहे हैं budget तक, budget की अगर हम बात करें तो budget से आपको क्या major expectations है आपकी? अगर हम कहें कि as an expert wish list क्या होगी, top 2-3 आप क्या elements चाहेंगे budget में या expect कर रहे हैं budget में? देखिए, जैसे हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले ही बताया है कि ऐसा बजट होगा जो आज तक अभी हुआ नहीं है, तो हमें बजट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि जो लोगों का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो सरकार का फोकस हो सकता है वो टैक्स कट के ऊपर, डायरेक्ट टैक्सेस में जिसका इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन काफी हाई है, जो लोगों के पास इस दौर में जो कि पीछे एक बहुत ही डिफिकल्ट दौर रहा है, तो उसमें जरूर कुछ मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा। जो लोगों का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसको इंक्रीज करने के लिए सरकार कुछ भरपूर प्रयास करेगी। मेरे को लगता है कि जो टैक्स लैब्स हैं उनमें जरूर कुछ फिरबदल होगा और जो लोगों के हित में होगा। मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि जो पीक रेट्स हैं, जैसे अभी जो इनकम टैक्स का मेजर इंसिडेंस आता है 30% से भी ऊपर रहता है जो इम्पैक्ट है, जो 30% के ब्रैकेट में है, तो जो पीक रेट है वो 25% तक हमारा एक रिकमेंडेशन सरकार को रहा है कि जो पीक रेट है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि कॉरपोरेट टैक्स में 25% है। तो एक ये एक्सपेक्टेशन है कि सरकार इसमें कुछ जरूर लोगों के लिए रियायत देगी, क्योंकि ये बजट जो है वो ज्यादातर मेरे को लगता है कि इंसेंटिव्स का होगा और स्टिमुलस का होगा और रिफॉर्म्स का होगा, तो इसमें बहुत सारी चीजों को सरकार लेके आएगी। उसी वजह से माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है कि एक ऐसा बजट होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। और दूसरी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार जरूर कुछ फ्रंट लोडिंग करेगी, क्योंकि सरकार ने जो 111 लाख करोड़ का NIP दिया हुआ है, जिसको हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बोलते हैं, तो उसका लगभग कोई 20 लाख करोड़ हर एक साल ऑन एन एवरेज आता है, तो सरकार उसके फ्रंट लोडिंग के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स कर सकती है, जिससे क्या होगा कि एक डिमांड जो सीमेंट सेक्टर में, स्टील सेक्टर में और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इन सब चीजों में एक अच्छी डिमांड उभरेगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी जो हमने अभी देखी है पिछले 2-3 महीने में, जो लीड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में और मार्केट्स में, तो उसको आगे सस्टेन करने के लिए सरकार एक योजना
लेके आएगी, सरकार एक पॉलिसी लेके आएगी, सरकार एक स्ट्रेटजी लेके आएगी जिससे कि ये मोमेंटम सस्टेन रहे और हम अपनी जो अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो हमने पीछे 24% तक का एक माइनस ग्रोथ रेट देखा है क्वार्टर वन में, उसकी भरपाई करने के लिए कि हम वापस उसी स्तर पे अगले फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाए, तो सरकार उसके लिए जरूर अपनी जो योजनाएं हैं स्ट्रेटेजाइज करेगी। चलिए, अगले 10-11 दिन में पता लगेगा कि बजट में क्या क्या ला रही है सरकार। अभी रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख था। ये बढ़त उत्साहजनक कंपनी परिणामों पर निवेशकों के आशावाद के बल पर और इन उम्मीदों के बल पर आई कि कोविड 19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और आर्थिक स्टिमुलस ला सकते हैं। जापान का निकेई सूचकांक 0.8% की वृद्धि से 30 वर्षों के अपने उच्चतम समापन स्तर पर जा पहुंचा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.1% की बढ़ोतरी पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कॉस्टी में 1.5% का उछाल दर्ज हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.6% की बढ़त पर बंद हुआ, लेकिन हांगकांग के हैंगसेंग में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। आर्थिक खबरों में बैंक ऑफ जापान ने अगले वित्त वर्ष के लिए जापान की वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 3.9% कर दिया है। ये अपग्रेड इन आशाओं के बल पर किया गया है कि सरकार की विशाल खर्च की योजना से कोविड महामारी का प्रकोप कम हो जाएगा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी वृद्धि का रुख था। लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक प्रत्येक 0.4% की बढ़त पर थे और जर्मनी का डैक्स 0.7% के उछाल पर था। Moving on to the U.S. markets, the U.S. markets ended higher yesterday as Joe Biden was sworn in as the 46th U.S. president, while solid results from Netflix sparked a rally in shares of stay-at-home beneficiaries. Shares of the world's largest streaming service, Netflix, surged after it said it would no longer need to borrow billions of dollars to finance its TV shows and movies. The Dow Jones Industrial Average climbed 258 points, or 0.8%, to end at 31,188. The S&P 500 gained 53 points, or 1.4%, to close at 3,852. And the Nasdaq Composite jumped 260 points to 13,457. The Dow has climbed about 57% and the S&P 500 advanced about 68% since Donald Trump assumed office on January 20, 2017. डॉक्टर शर्मा, अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका क्या एक ओवरऑल असर होगा विश्वभर की इकोनॉमी पर और भारत पर भी, इसके बारे में संक्षेप में बताएं, क्योंकि पहले की जो सरकार थी उसका बहुत झुकाव था प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, टैरिफ्स की तरफ, सो इनवर्ड लुकिंग उनका पूरा अप्रोच था। सो अभी आपको क्या लगता है, कैसा क्या बदलाव आने की आशा की जा सकती है? देखिए, बहुत सारी आशाएं हैं। जो उनका कल स्पीच था मिस्टर जो बाइडेन का, बहुत ही इफेक्टिव स्पीच उन्होंने दिया, जिससे कि बहुत सारी चीजें आगे एक रास्ता साफ करती हैं। उनके स्पीच में उन्होंने बोला कि जो अमेरिकन स्टोरी है दैट इज नॉट वन पर्सन स्टोरी और सम वन स्टोरी, दैट इज द स्टोरी ऑफ ऑल अमेरिकन। तो इस इंडिकेट होता है कि एक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हम बोलते हैं, आने वाले टाइम में एक अच्छी सुदृढ़ता के साथ वर्ल्ड इकोनॉमी को एक अच्छी दिशा देगा, क्योंकि अमेरिका एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को शेप देता है, जिससे जिसके डिमांड से पूरे वर्ल्ड की जो रफ्तार है उसका पता चलता है। जब भी कोई रिफॉर्म होती है अमेरिका में तो उसका पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर असर होता है, और एक मेजर लिक्विडिटी ड्रिवन इकोनॉमी है जिससे पूरे वर्ल्ड की लिक्विडिटी को एक सपोर्ट मिलती है और मार्केट्स के लिए एक बहुत अच्छे इंडिकेशंस मिलते हैं। जब भी अमेरिका में कोई रिफॉर्म होती है तो उसका जो असर है नॉट ओनली इन द एडवांस्ड इकोनॉमीज बट इन द इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज इज ऑल्सो ऑलवेज ऑब्जर्व्ड। डॉक्टर शर्मा, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड्स पर जो एक कड़ा रुख अपनाया था ट्रंप सरकार ने, आपको लगता है वो हटेगा और वो भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, भारतीय कंपनीज के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट होगा? देखिए, आशाएं तो है कि जैसे जिस तरीके से उन्होंने जो पहले की पॉलिसी को उनको अनडू करने का एक फैसला किया है और बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं ऑलरेडी कल ही कर दी है, तो ये लगता है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव होने वाला है और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल होंगी, क्योंकि काफी समय से हमें इंतजार है कि इसके ऊपर यूएस हमें जरूर सपोर्ट करेगा।
Some more positive news. India's GDP is within the striking distance of attaining positive growth, the Reserve Bank has said, observing that the letter V in the V-shaped recovery stands for vaccine. In the RBI's January bulletin, an article on the state of economy states, the shape of the recovery will be V-shaped after all, and the V stands for vaccine. The article further reads, recent shifts in the macroeconomic landscape have brightened the outlook, with the GDP in striking distance of attaining positive territory and inflation easing closer to the target. The RBI, however, said the views expressed in this article are those of the authors and do not necessarily represent the views of the central bank. Dr. Sharma, of course, as the RBI has said that the V stands for the vaccine, and with the rollout of the world's largest vaccination drive, India, it will definitely impact the economy as well. So good news on this front, given the fact that earlier this month, the expected the GDP estimated was estimated to contract at 7.7%. And as you said, it was 23% last year. Now everyone is reviving the figures, because earlier there were forecasts that GDP will decelerate more than 10%. But after some time, when the recovery was on its trajectory to move forward and to become broad-based, then people started revising their growth figures, and started from IMF, then the international organizations, then the Reserve Bank of India, and our government. Now they all have revised the figures. Now the trajectory is becoming more and more strong, as the government has already projected that minus growth rate will not be more than 7.5%, and expectations are that this number will improve in the coming quarters also. And we are expecting quarter three growth rate in the positive trajectory, which is for the October to December period, which we have already completed. So we are expecting that the coming numbers for the quarter three will be in the positive, maybe somewhere between 1 to 2%, and quarter four will be as equal as quarter four of the last financial year, at around 3 to 4% trajectory will be there in the positive zone. So on the back of various reforms undertaken by the government and the stimulus measures undertaken by the government, now the recovery is broad-based and the demand is rejuvenating from its ground level, and expectations are that we will move forward with a strong momentum in the next financial year, and next financial year growth will be near about the double digits, which will be highest among all the emerging and developing economies and the top 10 economies in the world economic system, as projected by the International Monetary Fund in its last forecast. Dr. Sharma, उन्होंने inflation को भी mention किया है इस article में. Inflation काफी महीने 6% से अधिक रहने के बाद लास्ट जो मंथली फिगर्स आए हैं वो 4.9 आए हैं. सो आपको लगता है कि इन्फ्लेशन में जो कमी है वो एक बहुत बड़ी राहत है आरबीआई के लिए, और आगे चलकर भी उनकी जो स्ट्रेस है उनका ग्रोथ पे बना रहेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ था, जो 7% के आसपास इन्फ्लेशन हमने देखा या 7% से ज्यादा देखा, तो वो मेजरली जो फूड आइटम्स हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी होने के वजह से था. जैसे जो वेजिटेबल के प्राइसेस की वजह से जो ईयर ऑन ईयर काफी हाई रिफ्लेक्शन में थे, तो अभी वो सबसाइड होकर वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ गए हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ है वो काफी सबसाइड हो गया है. और आने वाले टाइम में जैसे आरबीआई ने अपना इंडिकेशन दिया है कि 4% तक वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं, 4% इन्फ्लेशन वो लेके आएंगे, तो ये स्वाभाविक है और ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में कुछ ही हफ्तों में या फिर एक दो महीनों में ये इन्फ्लेशन उस स्तर तक आ जाएगा, क्योंकि अभी सप्लाई साइड इश्यूज बहुत ही अच्छे तरीके से एड्रेस हो गए हैं. जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही भरपूर नए रिकॉर्ड बना रही हैं, तो हमें सप्लाई साइड की कोई दिक्कत नहीं है. तो ब्रीफली आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स को जो का त्यों रखेगी आरबीआई? देखिए, अगर इन्फ्लेशन जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है तो इसी लेवल पे रहा, 4% के आसपास आ जाता है, तो जो रेपो रेट है उसमें और कमी आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि अभी जितना रेपो रेट कम किया है रिजर्व बैंक ने, अभी वो पूरा परकुलेट भी नहीं हुआ है ग्राउंड लेवल पे, तो शायद और ज्यादा राहत देने की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है और कटौती करे ब्याज की दरों में, तो ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई रेपो रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट पे तो करने की क्षमता रखता है आने वाले टाइम में, अगर इन्फ्लेशन कंडीशन बेनाइन रहती है.
आइए ले लेते हैं कृषि क्षेत्र से खबर। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ मौसम के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद से 81 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। इसके लिए 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अंतर्गत खरीफ फसलों की उपज की खरीद जारी रखेगी। मंत्रालय ने बताया है कि प्रमुख धान उत्पादक राज्यों से अभी तक 572 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए 2,98,000 टन दालें और सोयाबीन की भी खरीद की है, जिससे 1,60,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। द गवर्नमेंट हैज सेड दैट मोर देन 1 crore 1 lakh हाउसेज हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल डेट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर देन 70 लाख हाउसेज इज इन वेरियस स्टेजेस एंड मोर देन 41 लाख हाउसेज हैव बीन कंप्लीटेड। द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री सेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1,68,606 न्यू हाउसेज हैव बीन अप्रूव्ड इन द 52nd मीटिंग ऑफ द सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमिटी अंडर द स्कीम। और अब चलते हैं कमोडिटीज की ओर। तेल की खबर है आपके पास अनुभव। जी हाँ, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस स्लिप्ड टुडे आफ्टर इंडस्ट्री डेटा शोड अ सरप्राइज बिल्डअप इन यूएस क्रूड इन्वेंटरीज दैट री इग्नाइटेड पेंडेमिक लेड डिमांड कंसर्न्स बट स्टिमुलस होप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स कैप्ड द डाउनटर्न इन प्राइसेस। सो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स फेल 16 सेंट्स टू $55.92 अ बैरल। US crude futures shed 19 cents to $53.12 a barrel. US crude oil inventories rose 2.6 million barrels in the week to January 15th, according to the data from the American Petroleum Institute and Industry Group. डॉक्टर शर्मा, आपका ब्रीफ रिएक्शन चाहेंगे। 56 के करीब आ गया है ऑयल, हालांकि उससे आज थोड़ा सा कम बंद हुआ है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये चिंताजनक है भारत के फिस्कल डेफिसिट के लिए? नहीं, मैं इसको इस कैंसर पे कोई ऐसी चिंता नहीं मानता, क्योंकि ये एक वापस जो रिकवरी आई है इकोनॉमीज में, एक स्पेकुलेटिव प्राइस भी है कि आने वाले टाइम में डिमांड और इंक्रीज होगी, इकोनॉमीज रिकवर करेंगी। लेकिन इसी स्तर पे मैं ये देखता हूँ कि ये 50 और 60 के बीच में प्रिवेल करेगा और जो एवरेज प्राइस है वो 50 के आसपास रहेगा। आइए अब रुख करते हैं कीमती धातुओं का। मजबूत वैश्विक संकेतों के बल पर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 575 रुपए के उछाल से 49,125 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 1,227 रुपए के उछाल पर 66,699 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूती के साथ $1,871 प्रति आउंस पर था और चांदी $25.83 प्रति आउंस पर थी। सोने में जो हम तेजी देख रहे हैं, इसके आपको क्या कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमीज तो एक रिकवरी मोड में है? देखिए, अभी तो स्टिमुलस की बात चल रही है जिसके ऊपर काफी मार्केट्स की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है, और अभी तो मिस्टर जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद अभी स्टिमुलस और आने की उम्मीदें हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ती है तो सोने की कीमतों में उछाल आता है। तो जो निवेशक आपको लगता है जो सोने में इंटरेस्टेड हो, अभी उनके लिए क्या राय होगी आपकी? देखिए, मैं कोई बड़ा परचेज करने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन सोने के प्राइसेस में कोई बड़ी करेक्शन आने की उम्मीद नहीं है। प्राइसेस इंटैक्ट रहेंगे और अपसाइड की उम्मीद की जा सकती है। कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, सो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। जी, नमस्कार। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। एट द स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स हिट्स 50,000 मार्क बिफोर एंडिंग 167 पॉइंट्स लोअर। निफ्टी ड्रॉप्स 54 पॉइंट्स। रूपी गेन्स 4 पैसा अगेंस्ट द डॉलर। टू व्हीलर मेकर बजाज ऑटो पोस्ट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल। एंड कंट्रीज जीडीपी विद इन द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ अटेनिंग पॉजिटिव ग्रोथ, स्टेट्स रिजर्व बैंक्स जनवरी बुलेटिन। And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Do join us then. Till then, goodbye. Namaskar. Market Mantra.